जय हिंद दोस्तों, भारतीय सेना की तैयारी करने वाले सभी जवानों को जय हिंद। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आज ही के दिन 23 फरवरी 2020 को दोस्तों इंडियन आर्मी का एग्जाम हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों इंडियन आर्मी का एग्जाम ये दोस्तों जीडी का पेपर है, कोल्हापुर का पेपर है, ठीक है। प्रवीण कुमार ने दोस्तों ये पेपर हमें प्रोवाइड कराया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी आपका। दोस्तों प्रवीण कुमार ने यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन मिलाए हैं भाई, ठीक है। पेपर ये दोस्तों उन्हें कैसे मिला ये हमें नहीं पता है भाई, ठीक है। जो अभी वर्तमान में लड़के तैयारी करते हैं उन सभी को पता नहीं है कि इंडियन आर्मी के एग्जाम में जो आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है वो कितनी होती है। आप यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक है वो काटा जाएगा भाई, ठीक है। उत्तर न लिखने पर दोस्तों आपको 0 अंक दिया जाएगा भाई, ठीक है। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस पेपर की, ठीक है। ये दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों ये पेपर हुआ है, ठीक है, आज ही के दिन दोस्तों ये हुआ है अभी, ठीक है। जैसे ही दोस्तों हमें प्रवीण जी ने ये प्रोवाइड कराया हमने दोस्तों आपको ये बतवा दिया, ठीक है। जिस भाई ने दोस्तों इंडियन आर्मी का एग्जाम देख रहा है तो वो अपने क्वेश्चन मैच कर लीजिए, और जो भविष्य में देना चाहते हैं वो इसी लेवल से अपनी तैयारी करें जिससे दोस्तों आपकी सफलता में कोई दिक्कत ना हो भाई, ठीक है। जो वर्तमान में फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं वो भी भाई आराम से फिजिकल की तैयारी कीजिए, क्योंकि इंडियन आर्मी का एग्जाम पैटर्न उतना हार्ड नहीं होता भाई। जो हमारी पीछे कंटिन्यू जो क्लासे देख रहे हैं ना वो सभी भाई देख सकते हैं, जो हमने पढ़ाया उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया, जो मैटर हमने उनको प्रोवाइड कराया एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया दोस्तों, ठीक है। ऐसे तो आप लड़के बहुत से बोलने में बोलते हैं जो मतलब तैयारी नहीं करते हैं ना हमारे चैनल से, वो गलत कमेंट्स करते हैं, लेकिन आप खुद देख लीजिए दोस्तों जो पढ़ाया उनसे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं किया भाई। देख लीजिए आप क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन के हालांकि लैंग्वेज चेंज की गई है लेकिन क्वेश्चन वही है भाई, आंसर वही रहने वाला है, ठीक है ना। तो आप खुद देख लीजिए भाई, ठीक है। तो सभी को जय हिंद, सभी को राम राम जी। अब देखिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक है। दोस्तों क्वेश्चन मैंने करवाया था, आप देख लीजिए बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई, किसका है तो ये दोस्तों नर्मदा का है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। जो ऑप्शन डी इसमें करके आया वो बिल्कुल राइट करके आया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों मैंने आपको कहा था पॉलिटिकल से या इनकी नियुक्तियों से संबंधित आपके एग्जाम में डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, मान के चलिए दोस्तों यहाँ पर भी पूछा गया, तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा, ठीक है। अभी वर्तमान में दोस्तों अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसकी थोड़ी लैंग्वेज है दोस्तों वो डिफिकल्ट की थी, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, मान के चलिए। रूप ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है। दोस्तों ये इसके लैंग्वेज चेंज की गई, बाकी दोस्तों ये तिब्बत का है ना, पामीर का पठार वाला दोस्तों, ठीक है। ये बस तिब्बत इसका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अगर जो तिब्बत करके आया वो बिल्कुल इसमें राइट करके आया भाई, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा। ऑप्शन इसका बी राइट होगा, जो ऑप्शन बी करके आया उसका बिल्कुल राइट हुआ है भाई। जो एग्जाम देके आए ना वो भाई जरूर बताना कि इसमें 30 में से आप कितने क्वेश्चन है वो राइट करते हो, ठीक है ना। मैं आपको दोस्तों कहता था कि जो मेरे रेगुलर वीडियोस देखता है, रेगुलर क्लास से देखता है, वो 30 में से आराम से 28 क्वेश्चन प्लस करेगा भाई, ठीक है। बहुत से लड़के 30 में से 30 भी करे होंगे, क्योंकि भाई क्वेश्चन तो एक भी बाहर नहीं गया, तो आराम से 30 में से 30 करे होंगे आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में लोकसभा में चुनाव कितने वर्ष बाद होता है। तो दोस्तों 5 वर्ष बाद होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ पुस्तक लेखक कौन है, ये बताना है भाई। महात्मा गांधी की पुस्तक है। बहुत ईजी और कॉमन क्वेश्चन पूछे गए थे भाई, ठीक है। हमने इसी अकॉर्डिंग दोस्तों आपको तैयारी करवाई थी, हमने मतलब हमने तैयारी करवाते हैं तो मतलब लड़के ऐसे भी कमेंट्स करते हैं कि सर भला इतना ईजी क्वेश्चन पेपर थोड़ी आता है भाई। आप खुद देख लीजिए, ये पेपर आपके सामने है भाई, ठीक है। तो बिल्कुल इसी लेवल के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप किसी और के चक्कर में मत पड़िए, आराम से भाई तैयारी कीजिए, अपने घर का खाना खाइए और अच्छी तैयारी कीजिए, सिलेक्शन वो डेफिनेटली हो जाएगा, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको बार बार करवाया और मैं आपको हर बार कहता था कि फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिल्ली ही मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इंडिया गेट है वो दिल्ली में स्थित है, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया है दोस्तों ये मुंबई में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, जो ऑप्शन सी इसमें करके आए वो बिल्कुल राइट करके आए भाई, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मान के चलिए जो रेगुलर क्लासेस चल रहे ना भाई, देखिए वो अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए ताकि जो और भी लड़के वर्तमान में देख रहे उन सभी को भी बेनिफिट हो, वो मतलब कहीं और कोचिंगों में ज्यादा पैसा देकर ना जाए भाई, ठीक है, क्योंकि पेपर उतना हार्ड नहीं होता भाई, ठीक है ना। तो आप इसी अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए भाई। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना है वो आप सभी को पता है 1828 में राजा राममोहन राय ने, राय के द्वारा की गई थी। आर्य समाज की स्थापना दोस्तों दयानंद सरस्वती ने की थी। हमेशा दोस्तों मैं आपको रिलेटिव क्वेश्चन बताता क्योंकि मेरे को पता है भाई आर्मी के एग्जाम है ना दोस्तों ये उतना हार्ड नहीं होता, आप फालतू में घबरा जाते हो भाई, इसका फिजिकल मेडिकल है ना ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, बाकी रिटर्न उतना हार्ड नहीं होता दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से किसे अक्सर ब्लैक पर्ल कह के पुकारा जाता है भाई, कहकर संबोधित किया जाता है। दोस्तों पहले को है ना, पहले को दोस्तों ब्लैक पर्ल कहा जाता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से किसे लेडी विथ द लैम्प के नाम से जाना जाता है। दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल। दोस्तों अभी वर्तमान में ये चर्चा में भी थी इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया भाई, ध्यान रखना, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विथ द लैम्प कहा जाता है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये थोड़ा बहुत कटा हुआ है लेकिन ये मतलब पानीपत का तीसरी लड़ाई पूछी गई थी भाई, ठीक है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी भाई, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है भाई। बात करते देखिए दोस्तों, मैंने आपको कहा था दिवस से संबंधित आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा, दिवस या राजधानी का। अगर दिवस का नहीं आता तो राजधानी का आता है, राजधानी का नहीं आता तो फिर दिवस का आता है भाई, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। मैंने आपको कहा था 24 अक्टूबर 1945 की स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसका अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस है जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आपको पहले भी करवा दिया था, आपके एग्जाम में भी दोस्तों ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय नगद मुद्रा के नोट किस शहर में? ये भाई नासिक में होंगे, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फतेहपुर सिकरी किस शासक द्वारा बनाया गया? भाई अकबर होगा, ठीक है। मैंने आपको कहा था ना फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया था। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपका जो जनरल साइंस का आता है भाई, ठीक है, जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितने परसेंट होती है? भाई रक्त की मात्रा पूछी है यहाँ पर, जल की नहीं पूछी। इसमें बहुत से लड़के ऑप्शन बी करके आए भाई, ध्यान रखना ऑप्शन डी इसका राइट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1 हॉर्स पावर बराबर कितने? भाई आप ईमानदारी से बताइए, जो क्वेश्चन करवाए उनसे बाहर एग्जाम में गया कि या नहीं गया ये बताइए भाई, ईमानदारी से देना है भाई, आप ईमानदारी से बताना है। मैं कह रहा हूँ दोस्तों नहीं गया क्वेश्चन, जो आपको पढ़ाया उससे बाहर नहीं गया भाई, ठीक है। दोस्तों 1 हॉर्स बराबर कितना होता है? 746 वोट होता है भाई, ठीक है। यहाँ पर कहाँ पर दे रखा है? 746, ऑप्शन बी इसका राइट होगा भाई, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मैंने अभी आपको कल ही करवाया था, जो हमारी सैटरडे वाली क्लास हुई थी उसमें ही दोस्तों ये क्वेश्चन करवाया था। एलपीजी सिलेंडर में कौन सी गैस का मिश्रण है? तो ये प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो दोस्तों जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? ये दोस्तों फेफड़ा होगा भाई, ठीक है। इसमें बहुत से लड़के कंफ्यूज होंगे लेकिन दोस्तों मनुष्य के शरीर का श्वसन अंग है वो फेफड़ा है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पाचन के पश्चात प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है? एमिनो एसिड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, टाइफाइड किसके द्वारा फैलता है? दोस्तों टाइफाइड है ये जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर जीवाणु ना देकर बैक्टीरिया दे दिया कंफ्यूज करने के लिए, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा ये दोस्तों फैलता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों मैंने आपको करवाया था भाई, ठीक है। इसमें कटा हुआ है लेकिन ये दोस्तों पूछा था कि कुत्ते के काटने से मतलब किसके कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों कुत्ते के काटने से वो रेबीज रोग होता है, ठीक है। बहुत से बार मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। मैं हर बार दोस्तों ऐसे क्वेश्चन लेता था तो लड़के बोलते थे कि सर आप तो पता नहीं एक एक क्वेश्चन को बार बार क्यों लेते हो। अरे भाई बार बार नहीं, दिल्ली यमुना नदी के किनारे रहेगा, मैं उसको ये थोड़ी कि चंबल नदी के किनारे कर दूंगा। तो भाई आंसर तो वही रहने वाला है इसमें, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है भाई, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में अधिकतम होता है? देखिए दोस्तों हरे प्रकाश है ना, ये हरे प्रकाश इसका ऑप्शन ए भाई राइट होगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मनुष्य के रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों मनुष्य के रक्त का लाल रंग है ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है भाई, ठीक है। बहुत से बार करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लोहे पर जंग लगना। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूज किया है, लेकिन कंफ्यूज भाई कंफ्यूज इसमें क्या किया, ऑक्सीकरण लिख दिया। यहाँ पर उसने रासायनिक परिवर्तन ना लिखकर ऑक्सीकरण लिख दिया, तो बहुत से लड़के इसमें कंफ्यूज हो गए। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज की जाती है, बाकी भाई क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछे जाते। लोहे पर जंग लगना है, रासायनिक परिवर्तन है, सभी को पता है, लेकिन ऑक्सीकरण देने से क्या है कि लड़के इसमें बहुत से भाई घबरा गए कि पता नहीं कहाँ क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बादल वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें होता है दोस्तों कम घनत्व के कारण भाई वो तैरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आवर्ती का मात्रक है? आवर्ती का मात्रक क्या है? हर्ट्ज है भाई, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मछली किसके द्वारा शोषण लेती है? तो मछली है ये गलफड़ों के द्वारा शोषण लेती है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन जो आपका आता है, यह आता है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स में देख लिए दोस्तों कितने इजी क्वेश्चन पूछे गए। प्रश्न दे रखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, 175 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। भाई 175 में से 6 घटाओ, कितने बचे? 100 × 70 कितने का वर्ग होता है? 13 का होता है भाई, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए, आप खुद देख लो भाई, ठीक है। यहाँ पर भाई हमें अभी इतना टाइम नहीं है कि ये सभी क्वेश्चन हम आपको सोल्व करवा सके, ठीक है। बाकी हम जैसे करवा देंगे इन सभी को सोल्व, ठीक है। एक बार आप अपना लेवल देख लीजिए भाई, ठीक है ना। जो करकाए उनको टेंशन नहीं है, उनको हल करवा देंगे भाई, ठीक है। क्योंकि लड़के कॉल आ रहे हैं कि सर पेपर बताओ भाई, पेपर बताओ, ये देख लो भाई पेपर, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, एक वृत्त की त्रिज्या 28 मीटर दे रखी है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? भाई ये तो मेरे को याद भी था, मैंने आपको कहा था ना राम सिंह इसके वाली संख्या रट लेना, चेंज भी नहीं होगा भाई, ठीक है। खुद देख लो दोस्तों, संख्या भी चेंज नहीं हुई भाई। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक संख्या वही संख्या 5 जोड़ने पर 17 आता है, तो वह संख्या क्या होगी? मैंने कहा था दोस्तों जोड़ घटा के क्वेश्चन आते हैं, आप एग्जाम में फालतू ही दोस्तों घबरा जाते हो भाई। खुद देख लीजिए यहाँ पर कितने इजी इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, देख लीजिए, ठीक है। जो वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं वो भी भाई देख लीजिए, संख्या भी चेंज नहीं हुई दोस्तों। बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जिनकी संख्या चेंज नहीं हुई भाई, ठीक है। देख लीजिए भाई आराम से, कोई दिक्कत ना है भाई, आराम से देखिए। जिनको नोट करना है नोट कर लीजिए, ठीक है। बाकी ये हम आपको हल करवा देंगे भाई, ठीक है। समय काम मजदूरी का देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हर बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में भाई पूछा जाता है। आगे देख लीजिए, पूरा पेपर है भाई, टेंशन ना लो, पूरा पेपर है भाई, ठीक है। आराम से देखिए इसको, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं भाई, ठीक है।
इंडियन आर्मी के एग्जाम देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको बताया भी था कि इस लेवल का क्वेश्चन है ना, जो मतलब ग्रुप में एड थे ना उनको ये मैंने प्रोवाइड भी कराया था, ठीक है। शायद पता नहीं मैंने दिया था उसमें, ये संख्या भी चेंज नहीं होगी होगी, आराम से देख लीजिए भाई, ठीक है। तो इसी लेवल दोस्तों आपको तैयारी करनी है, जो आगे आगामी जो पेपर दे रहे हैं और जो दे के आ गए ना, उन सभी का भाई सिलेक्शन हो जाएगा, घबराए नहीं भाई, ठीक है ना, आराम से हो जाएगा भाई, सभी का सिलेक्शन होगा, बहुत ईजी पेपर था भाई, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन आप सभी को पसंद आए, तो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और जो अभी जो चैनल पे नए और जो बंदे वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं ना, वो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको भी बेनिफिट टाइम पर टाइम मिलता रहे भाई, ठीक है। ओके दोस्तों, मिलते हैं आप सभी को वापस अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए।